हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लोन टूल ईएमआई लोन कैलकुलेटर ऐप के बारे में। इस ऐप को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इस ऐप से आप कैसे लोन ले सकते हो, इस ऐप से रियल में लोन मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस, जैसे ही आप सभी इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आप सभी के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप सभी ऊपर कंटिन्यू टू ऐप पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप सभी अपना लैंग्वेज करना सिलेक्ट, और नीचे जो आप सभी ऊपर नेक्स्ट में जो कोने का आइकन है इस पर क्लिक कर देना। कोने में नेक्स्ट का आइकन है उस पर क्लिक करना। यहाँ पे दोस्तों आप सभी अपना कंट्री करना सिलेक्ट और मूव पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप सभी एड आएगा, एड को आप सभी यहां पर कट कर देना कोने में क्लिक करके, ठीक है। और यहां पे अपना आप सभी करेंसी करना सेलेक्ट, मैं इंडियन रुपए करता हूं सेलेक्ट, और गो हिट पे क्लिक करना ऊपर। उसके बाद यहां आप सभी प्रोफेशन अपना करना सेलेक्ट, ठीक है दोस्तों। और मैं यहां पर सिंपली से ऊपर फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना, आप सभी के सामने एक एड्स आ जाएगा। इस एड्स को आप सभी यहां 5 सेकंड के बाद कट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं सिंपली से यहां पर एड को कट करता हूं, उसके बाद आप सभी क्या करना है, सिंपली से यहाँ पर अपना जो भी है आप सभी अपना सैलरी कर लेना सेलेक्ट और फिनिश पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप सभी सिंपली से यहाँ पे स्टार्ट ऐप पे क्लिक करना। एंड दोस्तों, जैसे ही आप सभी स्टार्ट ऐप पे क्लिक करोगे आप सभी के सामने एक एड आएगा, एड को आप सभी यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करके कट कर देना, ठीक है। जैसे सिंपली से मैं यहाँ एड को कट कर देता हूँ। अब गाइस, आप सभी के सामने ऐप का कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर आपको ईएमआई लोन कैलकुलेटर, आरडी कैलकुलेटर, बहुत सारे इसमें मल्टीपल फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं करता हूँ ईएमआई लोन कैलकुलेटर पे क्लिक। तो आप सभी को यहाँ पर अपना लोन अमाउंट डालना होगा। मैं डालता हूँ 5000। यहाँ पे अपना इंटरेस्ट डाल देना। यहाँ पे आप सभी लोन टर्म डालना, मैं 1 ईयर डालता हूँ। यहाँ पे ईयरली पे करता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पे आप सभी कैलकुलेट पे क्लिक करना। आपका जो है सारा कुछ डिटेल यानी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। यहाँ पर ईएमआई और यहाँ पे लोन अमाउंट और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो गाइस, इस तरह से आप सभी इस ऐप से कैलकुलेशन कर सकते हो। और रहा बात लोन लेने का, तो आप सभी को इस ऐप से रियल में लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो ऐप है ओनली फॉर कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है। एक प्रकार का ये कैलकुलेटर है, ठीक है। तो अगर आप सभी इस ऐप से लोन लेना चाहते हो तो आपको इस ऐप से रियल में लोन नहीं मिलेगा।